सरकारों के राज में केहू नया बुरोई खुश प्रदेश होई अखिलेश भैया के काज में आज कोई नहीं था अखिलेश भैया निरन जो मुला बंदी होता देश पूरा रोता यह सरकारों के राज में केहू नया बुरोई खुश प्रदेश होई अखिलेश भैया के काज में धरती पुत्र मुलायम अखिलेश जी को फिर से जिताएंगे धरती पुत्र मुलायम अखिलेश जी को फिर से जिताएंगे। अरे और सुनिए ना अब की चिंता मत करिए बारिश में अखिलेश जी आएंगे जिया अब की चिंता के बटन दबाई हो अखिलेश यादव के 22 में भैया विशेष सीएम बनी हो। अरे अखिलेश जी सीएम बनी है सुना ये चाचा चाची सुना ये भैया भाभी साइकिल के बटन दबाई हो अखिलेश यादव के 22 में भैया फिर से सीएम बनी हो दीपक यार पे मिल जुल के सब प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज चंद्र की घड़ी की तुंग हार दो है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज चंद्र की घड़ी की तुंग हार दो आन वान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो मान वान शान या की जान गाहो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो महान है जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दो आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड तो मैं आपके मान और सम्मान में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं आने दूंगी इतना वादा मैं आप सबसे जरूर करूंगी कि यहां से मैं सफल हुई तो मैं आप सभी का मान सम्मान इस जौनपुर की धरती से लेकर उत्तर प्रदेश लखनऊ की विधानसभा तक बढ़ा दूंगी। मैं आप लोग भरोसा रखिए
बहुत सारे लोग तो हमारे परिवार से जुड़े हैं, बाबूजी से, अम्मा से। आप लोगों ने देखा है, बाबूजी ने पूरा जीवन पर्यंत जो समाज के हमारे पिछड़े शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं उनके अधिकारों के लिए, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए हमेशा ने उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। तो आगे हम सब उसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आप सभी के लिए एक जो है, मैं बहू बेटी बहन बनकर आप सबके बीच में रहना चाहती हूँ और सबके लिए कार्य करना चाहती हूँ। और आप सभी भरोसा रखिए कि एक जनप्रतिनिधि की तरह ही नहीं, मैं आपकी बहू बेटी बहन बनकर आप सबके सुख दुख में रहूंगी, आपके हर परेशानियों में मैं खड़ी रहूंगी। आप जब भी मुझे याद करेंगे हमेशा मुझे अपने बीच में पाएंगे। बहुत कुछ नहीं कहना है साथियों, बाकी सारी चीजों को आप देख रहे हैं कि पूरे 5 साल से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है पूरे 5 साल, ये सरकार पूरे 5 साल में उनकी असफलताओं और नाकामियों का साल रहा। पूरे 5 साल केवल भारतीय जनता पार्टी ने केवल समय काटा है। हम सब क्षेत्र में जाते हैं, जो किसानों के समस्याएं हैं, किसान हमारे आवारा और छुट्टा पशुओं से परेशान हैं, दिन रात रात में जाग जाग के अपने खेतों की रखवाली करते हैं। हमारे इस प्रदेश के नौजवान भाइयों को न तो रोजगार दे पाई, न ही उनके साथ न्याय कर पाई। महिलाओं बच्चियों पे जो अपराध के आंकड़े बढ़े हैं, हम लोग तो देख रहे हैं कि NCRB के आंकड़े उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश महिलाओं के अपराध में नंबर 1 पर पहुंच गया है। तमाम ऐसी घटनाएं हैं। कोई भी इस समय राज्य सरकार की कोई भी पेंशन योजना लागू नहीं है साथियों, जबकि 2012 की हमारी जब सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार, उस समय इस प्रदेश की 50 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन योजना देने का कार्य किया जाता था। हमारे बच्चों को वजीफा, जिसमें आप वजीफा कहते हैं, छात्रवृत्ति बच्चों को दिया जाता था, पढ़ने के लिए फीस का पैसा दिया जाता था। हमारे नौजवान भाई बहनों को लैपटॉप दिया गया, समाजवादी एम्बुलेंस चलवाया गया। समाजवादी एम्बुलेंस साथियों, ऐसा पहली बार हुआ कि आम जनता के लिए सरकारी एम्बुलेंस निःशुल्क उनके दरवाजे पर उपलब्ध हुआ। तो ये सब बहुत सारी योजनाएं थी जो समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए थी, गरीबों के लिए थी, उनको आगे बढ़ाने के लिए थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन सारी योजनाओं को बंद कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में साथियों, लेकिन जनता मुझे लगता है सब जान चुकी है, समझ चुकी है, और वह भी तैयार बैठी है कि कब चुनाव हो और कब वोट दें और कब इस भारतीय जनता पार्टी को हम यहाँ से उजड़ से उखाड़ फेंकें और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए। माननीय श्री अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाइए, इसी में हम सबकी भलाई है और इसी में हम सबका सम्मान है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना है साथियों, बस आप सभी लोग मेरा साथ दीजिए, मैं आप सभी की आवाज़ बनकर आप सभी की समस्याओं को, आप सभी की परेशानियों को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठाने का काम करूंगी और आपके लिए संघर्ष करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। मान शान या की जान का हो दान, आज इस धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। यूपी में ही चलेगी नहीं किसी की दाल गलेगी, समाजवाद को मिले बहुमत, अखिलेश यादव को जीत मिलेगी। यूपी में साइकिल ही चलेगी नहीं किसी की दाल गलेगी, समाजवाद को मिले
को जीत मिलेगी, यूपी में साइकिल ही चलेगी।